दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे ऐसा मंदिर जिसके बारे में मान्यता है कि भगवान राम स्वयं यहाँ पर आए थे। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम की पालकी यहाँ पर आई थी, जो आज भी उत्कीर्ण है। वर्तमान में यहाँ नया मंदिर बन चुका है, पर एक शिला के अंदर ये अभी भी उत्कीर्ण है, जो ये दर्शाता है कि भगवान स्वयं विराजमान थे। यहाँ पर त्रेता युग में भगवान राम आए थे। जब माता सीता जी को अग्नि परीक्षा हुई थी, तो भरत जी की पत्नी मांडवी को क्रोध, मांडवी नाराज होके गुस्सा करके मंडपेश्वर मंदिर मांडव में आई थी, तो उनको मनाने के लिए भगवान और सब परिवार आए थे और पालकी लगाकर यहाँ पर कुछ समय के लिए उन्होंने विश्राम किया था, रुके थे। ये त्रेता युग से बनी हुई प्रतिमा, इसको किसी ने बनाई नहीं है, और हमारे गुरुदेव ने दिव्य दृष्टि से देखा कि यह बहुत पावन भूमि है, तो यहाँ पर उन्होंने 18 साल तक रामायण, अखंड रामायण चलाए और बहुत तपस्या की। यहाँ के कंकर शंकर उनकी रज से यह बहुत पावन भूमि है, और यहाँ गंगा जी, सरस्वती, ब्रह्मा जी, विष्णु सबके वास है। यहाँ के कंकर शंकर है, उनके चरण रज से यह बहुत पावन भूमि है, और हमारे गुरुदेव अखंड ब्रह्मांड नायक राजाधिराज परमहंस सदगुरुदेव सर्वेश्वर दास जी महाराज ने यहाँ पर बहुत तपस्या की। ये 2400 घंटा डायरेक्ट नली चलती है, चाहे गर्मी हो चाहे कि हर मौसम में 2400 घंटा पानी बहता रहता है। छोटा सा कुंड है, गंगा जी है, साक्षात गंगा जी का वास है। सभी प्रकार के जानवर आते हो, सबको सबको यहाँ पर भोजन लगा, गुरुदेव सबको साथ में सांप नेवला और शेर और बिल्ली को सबको साथ में भोजन करवाते थे। यहाँ हमारे गुरुदेव 2011 को ब्रह्मलीन हो गए हैं। पहले भी भक्तों की सब मनोकामना पूर्ण होती है, और अब भी जो भी मन की इच्छा होती है, जो भक्त लेके आते हैं, उनकी सब मन की इच्छा पूरी होती है। अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल वेब दुनिया डॉट।